सो फ्रेंड्स, इस क्यूट सी मिनी डायरी को बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रफ टेक्सचर शीट A4 साइज का। तो मैंने इसको पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और फिर उसके बाद फिर मैंने इसको और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था पेपर कटर की हेल्प से ही। तो ये कुछ इस साइज़ का आप लोगों को मिल जाएगा और फिर इसको भी छोटा हम लोग कट कर लेंगे क्योंकि मुझे ये पॉकेट साइज़ का चाहिए। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये कट हो चुका है तो मैं इसको साथ में करके ग्लू लगा दे रही हूँ और फिर ग्लू की हेल्प से मैं इसको इस पेपर के ऊपर स्टिक करूँगी। इस प्रोसीजर में आप लोग पेपर के ऊपर स्टिक करने से पहले ही आप एक पेपर लेके उसका साइज़ के हिसाब से उसको कट कर सकते हैं पेपर को और फिर स्टिक कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली स्टिक करके कट कर सकते हैं सीजर की हेल्प से उसके साइज़ में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है और फिर मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इरेजर की हेल्प ले रही हूँ और ये कंपास की हेल्प से मैं यहाँ पर छेद कर दे रही हूँ दो मिडल में ताकि इसके बीच में से हम लोग इसमें से थ्रेड घुसा सकें। तो थ्रेड घुसाने से आप लोगों को ये बांधने वाली डायरी मिल जाएगी थ्रेड वाली। तो दोनों साइड से हम लोग थ्रेड इस तरीके से निकाल लेंगे और मैंने येलो कलर का थ्रेड लिया है। आप लोग कोई भी कलर का थ्रेड दे सकते हैं अपने हिसाब से और कवर में भी आप लोग कोई भी कलर का कवर दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना क्यूट लग रहा है ये, और अब बस इसको बांधना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसको रिबन की शेप में इसको बांध दे रही हूँ और ये बस बन गया है। तो देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। और अब इसको फिनिशिंग टच देने के लिए मैं यहाँ पे स्टिकर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे स्टिकर्स लगा दिए हैं। ये जो स्टिकर्स है आप लोगों को किसी भी स्टेशनरी शॉप में आराम से अवेलेबल मिल जाएंगे। ये 10 रुपीज़ का एक पैकेट आता है ये बटरफ्लाई वाला। उसी तरीके से मेरे पास ये स्टार वाले भी स्टिकर्स थे तो मैंने फ्रंट के लिए इनको यूज़ कर लिया है और बैक के लिए मैंने ये बटरफ्लाई यूज़ किया। तो अब ये मिनी डायरी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने रफ टेक्सचर शीट्स यूज़ की हैं। तो आप लोग आराम से एक्रेलिक पेंटिंग भी इसमें कर सकते हैं और मैं अगली बार वीडियो बना दूँगी मैं जो भी पेंटिंग्स बनाऊँगी उसका। एंड मुझे तो ये डायरी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डायरी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है @creativeangels। सो स्टे ट्यून्ड विद क्रिएटिव एंजल्स फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।